नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉम्बे तड़का में। तो आज हम बनाएंगे मीठी पूरी, जिसे कि हम ठेकुआ भी बोलते हैं, और ये स्पेशली छठ पूजा में बिहार में बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यहाँ पे आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और चीनी जिसे कि हमने उसका पाउडर बना लिया है, जिससे कि वो पानी में आसानी से घुल जाए। तो अब हम आटे को एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि हमें उसे गूंद लेना है। हमने यहाँ पे 300 ग्राम आटा लिया है और आधा कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर हम इस पिसे हुए चीनी को हम पानी में डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से पानी में घोल लेंगे। हमने चीनी को इसलिए पीस लिया था ताकि वो पानी में आसानी से और बहुत ही जल्दी से घुल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो है वो पानी में घुल चुकी है, और अब हम उसी पानी से हमारे आटे को गूनेंगे। और गूनने से पहले हम यहाँ पे आधा छोटा चम्मच डाल दे रहे हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इससे जो हमारी मीठी पूरी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और अच्छी तरीके से फुली फुली सी बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बेकिंग सोडे को अच्छी तरीके से पहले आटे में मिक्स कर लिया, और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। अच्छा सा उसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और अगर ये चीनी वाला पानी आटा गूंदते समय कम पड़ जाए, तो हम सादे पानी से भी हमारे आटे को गूंद सकते हैं। यहाँ पर हमें लगभग 1 गिलास के करीब पानी लगा है इस आटे को गूंदने के लिए, और इसे हमें नॉर्मल उसी तरह से गूंदना है जैसे कि हम रोटी के लिए गूंदते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो गूंद के अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 5 से 6 लोई बनाकर रेडी कर ली है। तो चलिए फटाफट से हम अब इसे बताते हैं कि कैसे हमें इसे बेलना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सांचा लिया है, जो कि लकड़ी का सांचा है और बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और उसके ऊपर हम तेल लगा दे रहे हैं ताकि जब हम उसमें लोई डालें तो वो उसमें चिपके नहीं। और अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपके घर में ये सांचा तो ज़रूर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें तेल लगा लिया है। अब जो लोई है हमारी, बस हमें उस पर रखना है उसे, और हल्के हाथों से उसे प्रेस कर लेना है, और फिर बेलन की मदद से हमें उसे हल्का सा बेल लेना है। ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का सा ही बेलना है। उसमें गोल शेप होता है, बस हमें उस तक ही उसे बेलना है। तो अब आप देख सकते हैं जिस साइड को हमने उस पर रख के बेला था, उस पर कितना अच्छा सा सुंदर सा डिज़ाइन आ चुका है, जो कि जब हम उसे तलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप नॉर्मल भी इसे बेल सकते हैं। जो थिकनेस है आपको सेम उसी तरीके की रखनी, एकदम पतली नहीं करनी है। तो अब हमने जो हमारा सारा ठेकुआ था वो बेल के रख लिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसे अब तल लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था तेल डालकर। तब तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो तेल है वो अच्छी तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम उसमें एक एक करके हमारी जो मीठी पूरी है उसे डाल देंगे। एक टाइम पे जितना हमारे तेल में आ सकता है उतना हम डाल सकते हैं, और गैस को हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखना है। और आप देख सकते हैं डालते ही हमारी जो मीठी पूरी है वो एकदम से फूल के ऊपर आ चुकी है। कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है ये जो पूरी है, बहुत ही जल्दी से और आसानी से बन जाती है। और 3 से 4 दिन तक आप इसे बनाकर खा सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी आप इसे बनाकर लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी कितनी अच्छी बन चुकी है, और इसे फ्राई करने में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे और एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। और फटाफट से हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।